ये है इंडिया फर्स्ट सर्वदा भारती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में, और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। ईरान इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर अटैक कर सकता है। इस बीच ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज पास होते हुए भारत आ रही एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद है। कार्गो शिप लंदन बेस्ड एक कंपनी का है जिसका मालिकाना हक एक इजरायली अरबपति के पास है। घटना के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता जेनियर हगारी ने कहा कि हम किसी भी तरह के हमलों पर चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। इधर भारत समेत 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इसराइल न जाने की सलाह दी गई है। दरअसल 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इसराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा।